पानी की सब पीने के पानी की सप्लाई को लेकर के जनता परेशान है। देखने में आ रहा है अगर रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो दो वार्ड ऐसे हैं जिसमें गंदे पानी की क्या नाम है सप्लाई हो रही है, एक तो अशोक नगर वार्ड, दूसरा तकिया गुल्लूशाह। हमारे बीच में कैलाश जैन साहब है, जैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस गंदे पानी की सप्लाई को लेकर के? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसका हमने पूरी दिल्ली में जगह जगह सैंपल उठाएं जी। मैंने अपने विधानसभा से भी इस सैंपल लेके भेजे जी। जो माने केजरीवाल जी दिल्ली के मतलब सीएम है, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में पानी लोगों को फ्री भी दिया, स्वस्थ दिया, अच्छा दिया, मुफ्त दिया है जी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कहाँ से सैंपल है, जो आप मीडिया के सोशल मीडिया को आप लाइट करते हैं, आपने क्या अशोक नगर तकिया में जो पानी आ रहा, मैं केजरीवाल से कहूँगा कि आपके माध्यम से आपने किसी विधायक को या आपने किसी मंत्री को यहाँ भेजे, वहाँ का पानी की हालत देखे क्या है? आज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में जो बीमार मरीज जा रहे हैं वो खाली पानी पी के भी पानी के कारण जा रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अरे हमें फ्री नहीं चाहिए कोई चीज़, हमें पानी साफ दे दो, पीने लायक पानी दे दो, जीने लायक पानी दे दो, फ्री मत दो, उसके पैसे ले लो। लोग भाग दिए 100 रुपये के फ्री के चक्कर में, 5000 रुपये डॉक्टरों को एक महीने में अपने बीमारी के लिए डॉक्टरों की दवाई के लिए दे रहे हैं, हमें 5000 रुपये बचाने के लिए 100 रुपये बिल के ले लो पर पानी पीने लायक दे दो, ये दिल्ली की जनता की मांग है। और इसलिए वैसे हम यहाँ के विधायक सरिता सिंह से जहाँ के क्षेत्र की आपने जिक्र किया, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो और जगह बहुत जानकारी है, वेलकम ले लो, सुभाष पार्क ले लो, नवीन चल लो, पंचर गार्डन लो, डायरेक्ट मोटर का मोटर से पानी लो, चलाते हुए देखा आपको लग जाएगा पानी पीने लायक है, ये देखने लायक भी नहीं है। अब वो पता नहीं कहाँ किसके देखे, मैंने अभी देख रहा था आज पेपर में दिया है कि उनके विधायक जी एक लाडू सराय में के बोतल से पानी लेते दिखाई दे रहे हैं, अरे आरओ के पानी पे वो मोटर लगा के पानी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि हम पानी देख कितने पीने लागे, मोटर का बटन दबाइए, जहां से तुम गंगा का पानी नीचे जनता के घर में पहुंचा रहे हो वहां की हालत देखो पानी की क्या है। आखिरकार ये धोखा किसको दे रहे हैं? ये जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता हमारी जी इसलिए समझदार है, जनता फ्री के चक्कर में आने वाली नहीं है। 3 महीने बाद जब इलेक्शन फरवरी में इलेक्शन आएगा, ना फ्री को मांगने की, ना बत्ती को फ्री लेगी, ना पानी को फ्री लेगी, तो जनता ने निर्णय लेगा कि आपके केजरीवाल को सबक सिखाना है, ये फ्री वादे नहीं चाहिए, हमें जीने लायक पानी चाहिए, पीने लायक पानी चाहिए। जैन साहब हवा वो दूषित हो गई, पीने का पानी वो दूषित हो गया, आखिर जनता को मारना चाह रहे हैं क्या? देखिए 70 करोड़ के होर्डिंग पोस्टर उन्होंने प्रदूषण के ऑडियंस पर लगा दिए फ्री करने के लिए, पेपर में ऐड देना, होर्डिंग पोस्टर लगाना, 70 करोड़ का इसका बजट दिए जो ITI से लगा के निकला 70 करोड़ का बजट है। ये 70 करोड़ रुपये प्रदूषण के ऐसे प्लांट लगाते, आपने देखा गया देखा होगा उसमें ब्राज़ील में आपने कहा कि पूरा देश ये एक प्रदूषण से झूला, उसने 20 साल के पूरे देश को प्रदूषण से मुक्त कर दिया, एक प्लांट 2 करोड़ रुपये का लगता है, अगर दिल्ली में 50 प्लांट ऐसे लग जाते तो पूरी दिल्ली सुरक्षित हो जाती। 200 करोड़ में 70 करोड़ एडवर्ट में 200 करोड़ का बजट बना के पूरे दिल्ली में अगर ये लगा देते तो ये नौबती नहीं आती कहीं भी करने की बात कुछ। तो मैं प्रदूषण पे कुछ किया ही नहीं, दिल्ली झेल ली, मेरी आंखों में आज सुबह से कल से आंखों में मतलब ये मिर्ची लग रही है, तो कहाँ प्रदूषण, प्रदूषण इतना है जी कुछ नहीं है, ये तो परमात्मा प्रदूषण कम करता, कहीं बारिश हो जाए दिल्ली में तो प्रदूषण कम हो जाएगा, नहीं बाकी केजरीवाल की ताकत नहीं कि दिल्ली का प्रदूषण कम कर दे। जैन साहब दिल्ली की जनता समझ चुकी है और लग रहा है कि बदलाव के मूड में बैठ चुकी है, दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि धोखेबाज सरकार से बचना है, दिल्ली को आगे विस्तार के काम पे विकास की तरफ ले जाना है तो केजरीवाल की सरकार को बदलना पड़ेगा, और आने वाले समय में भाजपा की सरकार केंद्र में होगी, दिल्ली में होगी, निगम में होगी, तीनों सरकार का पैनल एक साथ मिलेगा तो जब भी दिल्ली का विकास होगा, नहीं तो ये आपस में जी यही काम करते रहेंगे, ना प्रदूषण मुक्त करा सकते, ना पानी फ्री दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तो जनता को एक लॉलीपॉप दिखा दी, मैं ये भी फ्री करूंगा, ये भी फ्री करूंगा, जनता कब तक फ्री के चक्कर में दिल्ली का विकास को रोक के चलेगी? तो अगर ये काम करना है कि फ्री में, तो मोदी जी की सरकार की योजना भी था आयुष्मान, वो भी तो फ्री दे रहे हैं, उसको दिल्ली में लागू क्यों ना कर दे? जब तुम बिजली का पानी फ्री कर सकते हो, बत्ती फ्री कर सकते हो, मेडिकल के मतलब बसों में किराया फ्री कर सकते हो, तो मोदी जी की भी योजना यह है कि 5 लाख का बीमा योजना जो आयुष्मान भाव, उसको भी दिल्ली में केजरीवाल लागू कर दे। गरीबों के लिए तो वो भी है ना जी, वो अमीरों के लिए थोड़ी बनी है, गरीबों के लिए बनी है। पर कुछ में दिल्ली में सरकार मान रहे हैं कि भाजपा की बनने जा रही है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता जगह जगह हम जब बैठते हैं चर्चा करते हैं, रोडों पर जाते हैं, बस अड्डों पर जाते हैं, पानी की दुकान में जाते हैं, सब ये कहते हैं कि दिल्ली को 5 साल में केजरीवाल ने धोखा दिया है, पीछा किया है, अब इसके धोखे दिसलबाजी में आने वाली नहीं है। आप जिला नवीन शारदा के जिला अध्यक्ष हैं, पांचों जिले पांचों विधानसभा की बात करें तो पांचों विधानसभा में अब हमारा एक विधायक है जगदीश प्रधान जी। और मैं चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, जितना कार्यकर्ता उत्साह है, जनता में उत्साह है, हम दिल्ली में, मैं जिले के अध्यक्ष के नाते हम दिल्ली में 5 सीट भाजपा को जीत के दे रहे हैं।